सर मैंने फिल्म तो नहीं देखी, मैं एक्चुअली थोड़ा सच बोलता हूँ, लेकिन मैंने इसका प्रोमो देखा, नामी काफ़ी है, शिवा बनल डॉन, और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी। अच्छा, तो अब आप मुझे मैं ये उम्मीद करूँगा कि इसके बाद आप ऊपर जाएंगे और पिक्चर देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, इसीलिए आए हैं। और हमारी शुभकामनाएँ हैं डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, सारे एक्टर को। भोजपुरी सिनेमा के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी सिनेमा, मैंने 10 लैंग्वेज में फिल्में की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, हिंदी, 10 लैंग्वेज में फिल्म करने के बाद मैं आप लोगों से ये अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकता हूँ कि हिंदी के बाद जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वो भोजपुरी सिनेमा का है। तो ये हम और आप लोग ही हैं जो भोजपुरी सिनेमा को और अच्छी तरीके से पेश कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। सर अब सैया सुपरस्टार जैसी फिल्में की जिसमें सर की, तो मैंने 8-10 फिल्में की हैं भोजपुरी की, पवन के साथ की है, निरहुआ के साथ, दूल्हे राजा की है, खेसारी के साथ भी की है मैंने, तेरे नाम, छपरा एक्सप्रेस, पवन के साथ चैलेंज, सैया सुपरस्टार। मैं थोड़ा सा भोजपुरी सिनेमा करते हुए भी भोजपुरी से दूर हूँ, पता नहीं क्यों, नहीं क्यों हूँ, शायद लोगों को डर लगता है कि भाई ये हिंदी सिनेमा के हैं तो हमारी फिल्म करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं बहुत ओपन हूँ, अगर अच्छी फिल्म है, सब कुछ सही है, तो बिल्कुल करेंगे। और मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है भोजपुरी सिनेमा के साथ, भोजपुरी के जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा। आपने अभी दो नाम लिए, खेसारी लाल का नाम लिया आपने और पवन सिंह का नाम लिया, हम सब जानते हैं कि आपके उनके साथ आप विलन थे प्रॉपर और फिल्में की। एक फिल्म में एक खलनायक के या फिर एक साथी कलाकार के हिसाब से आपको क्या लगता है स्क्रीन पर फाइट सीन्स में कौन ज़्यादा बेहतर है? सर दोनों, मैं बहुत डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि दोनों कमाल के। मैंने हिंदी फिल्म की है सलमान खान के साथ, वीर फिल्म जी, मुझे पवन सिंह में सलमान नज़र आता, टोटल सलमान, जो सलमान, मैंने सलमान के साथ 60 दिन काम किया वीर फिल्म में, पवन के साथ भी मैंने 3 फिल्में की, और पवन की शायद शुरुआती दौर की फिल्म थी योद्धा, मैंने वो भी की थी, और अभी सैया सुपरस्टार, तो पवन को मैंने ग्रो होते हुए देखा है। एंड पवन में ना मुझे भोजपुरी का सलमान खान, मैं पवन को बोलता भी हूँ, पवन तू यार भोजपुरी का सलमान खान, उसका एटीट्यूड भी वैसा है, वो एक्टर भी सलमान की तरह है, वो दिल का बच्चा भी है। उसके विपरीत खेसारी लाल यादव बहुत प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल, अगर उसे बोले कि भैया आपको 6:30 बजे पहुंचना है तो वो शायद 6:15 बजे पहुंच जाएगा, इतना बड़ा हीरो होते हुए भी भोजपुरी का, टाइम से पहले आकर वो और रात के 11-11 बजे तक भी काम करना है, तो वो दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं और दोनों बहुत प्रोफेशनल हैं। और फाइट सीक्वेंस तो मेरे ख्याल से मैंने दोनों के साथ किया है, और फाइट सीक्वेंस में मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं खलनायक हूँ, मैंने और भी लोगों के साथ किया हिंदी के, फाइट सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा उसका ध्यान रखना होता है सेफ्टी का जी, जो पवन भी बहुत रखता है, बहुत सेफ्टी रखता है, मतलब हर सीक्वेंस के बाद आगे पूछता भैया लगा तो नहीं, तो बहुत सेफ्टी का ध्यान रखता है, और खेसारी भी बहुत सेफ्टी का ध्यान, तो ये सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें। आपने कहा कि आपको पवन सिंह में सलमान खान नज़र आते हैं, लेकिन खेसारी लाल में कौन नज़र आता है ये आपने नहीं बताया? देखिए तीन हीरो हैं हमारे हिंदी सिनेमा में, तीन खान हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, भोजपुरी में भी तीन हैं, नाम बोलिए तो बता देता हूँ, जिलेश लाल निरहुआ, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, तो ये तीनों खान हैं, तीनों खान की यहाँ पर भी अपनी जगह है हिंदी में भी और भोजपुरी में भी इनकी अपनी जगह है, ये अपने तरह की फिल्में करते हैं, तो तीन खान वहाँ हैं और तीन यहाँ हैं। इन तीन खान के बाद यश कुमार, कल्लू और रितेश पांडे जैसे जो कलाकार हैं, इनको फिर आप क्या कहते हैं? अक्षय कुमार भी है, अजय देवगन भी है, अब बहुत होशियार हूँ मैं, शाहिद कपूर भी है ना, वरुण धवन भी है, तो ये तीन खानों के अलावा इतने बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर भी हमारे यश कुमार हैं, कल्लू हैं और भी बहुत सारे हीरो हैं। कुछ अपकमिंग मूवी भोजपुरी के? भोजपुरी की फिल्म मैं अभी चिंटू पांडे के साथ कर रहा हूँ, या अली बजरंग, या अली बजरंगबली में क्या रोल है आपका? मैं डेफिनेटली विलन का रोल कर रहा हूँ, और बजरंगबली मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमेशा, मैंने जय हनुमान सीरियल में हनुमान जी की भूमिका निभाई, बजरंगबली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नाम मुझे हमेशा सूट करता है,
जहाँ पे भी हनुमान जी का नाम हो और मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। तो अभी ये फिल्म मेरी अपकमिंग है। चिंटू भी बहुत बड़ा स्टार है जी। थैंक यू सर।